रतन बाबा साहब ने जितना कुछ बहुजन समाज के लिए किया है आज तक किसी ने भी इतना कुछ नहीं किया है। और देखिए महिलाएं जो आज सम्मान के साथ जी रही हैं, आत्मसम्मान के साथ जी रही हैं, स्वतंत्रता के साथ जी रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। नहीं तो संविधान से पहले का आप इतिहास उठाकर देखना कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाएं सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी और उससे ज़्यादा उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाबा साहब का संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने हम महिलाओं के दर्द, हमारे दुख, हमारी चीख और चटपटाहट को उन्होंने महसूस किया और संविधान में हमें सारे हक और अधिकार दे करके गई। दो लाइनें मैं बाबा साहब के बारे में बोलना चाहूँगी कि भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया से जाकर पूछ लेना मेरा भीम जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया से जाकर पूछ लेना मेरा भीम जैसा कोई नहीं। भीम ने ऐसे क्या काम करे जो महिला है, जो पूरा आवाम उनको देश नहीं विदेशों के अंदर भी उनको इतना मानता है। आप कह रही हैं अभी आपने एक शेर के अंदर बोला कि मेरे भीम जैसा कोई महान नहीं। जी देखिए बाबा साहब ने हम महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया और हिंदू कोर्ट बिल में बाबा साहब ने अपनी चार मुख्य मांगे रखी थी। एक पहला था उनका तलाक का अधिकार, दूसरा था पिता की संपत्ति में अधिकार, तीसरा था गोद लेने का अधिकार और चौथा था सती प्रथा जो कि पहले महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक तो लगा दी थी लेकिन उन महिलाओं को शादी करने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में हमें दे करके गए। हम महिलाएं यदि अपने खून का एक एक कतरा भी बाबा साहब के चरणों में अर्पण कर देंगे तो भी हम बाबा साहब का कर्ज नहीं चुका सकते। और हम महिलाएं जो है बाबा साहब को सम्मान और श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया करेंगी। बाबा साहब के लिए देखिए भगवान बुद्ध महान थे और हमारे लिए दोनों महापुरुष महान हैं क्योंकि बाबा साहब ने ही हमें भगवान बुद्ध का जो मार्ग दिखाया है। यदि हम महिलाएं सारी अंधविश्वास को छोड़कर बाबा साहब की बताई हुई गई 22 प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक सके। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि आज भी महिलाएं जो है बाबा साहब को वो नहीं समझ पा रही हैं क्योंकि बाबा साहब ने तो अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए अर्पण कर दिया, महिलाओं के लिए अर्पण कर दिया। लेकिन महिला बाबा साहब ने जिस चीज़ के लिए हमें मना किया था वही हमारी समाज की महिलाएं करती जा रही हैं, जैसे कि अंधविश्वासों में वो पड़ी हुई हैं, ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्करों में वो आ जाती हैं, अपना धन रुपया तो लुटवा बैठती हैं साथ में अपना शारीरिक शोषण भी करवा बैठती हैं। आज कितनी जो बाबा हैं वो जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं, क्या कारण है उसका? यदि इनमें कोई शक्ति होती तो ये सबसे पहले अपना बचाव करते, क्यों नहीं इनमें कोई शक्ति? इनके पास एक टेक्निक होती है लोगों को मूर्ख बनाने की, पागल बनाने की, और हम जो महिलाएं ज़्यादातर मूर्ख बन जाती हैं। पढ़ी लिखी के साथ साथ अनपढ़ लोग भी मूर्ख बन जाते हैं इसमें। नहीं तो आपने बताया है कि महिलाएं अंधविश्वास की तरफ जा रही हैं और अंधविश्वास की तरफ जाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जब तक वो महिलाएं घर से शिक्षा बाहर नहीं निकलेंगी और वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। बहुत सी महिलाएं जो अनएजुकेटेड हैं वो खुद भी नहीं पढ़ती और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाती। तो बाबा साहब के तीन मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि हम बाबा साहब का पहला ही मूल मंत्र शिक्षित बनो और शिक्षित करो इसको भी अपना लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैडम ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने बनाया कि बाबा साहब के तीन मंत्र थे और तीन मंत्र के शिक्षा का है और संगठित का, संघर्ष करने का, ये हर एक कोई मन से बोलता है। लेकिन आज तक जो मन से बोलने वाले हैं, जो शहरों के अंदर रह रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने गांव देहात की तरफ नहीं जाके देखा, जो गांव देहात के अंदर शिक्षा कहां से लेंगे जब उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, तो उनकी सहायता कौन करेगा? देखिए बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में बहुत दुखी रहते थे, वो चाहते थे कि मेरे अधिकारों की वजह से लोग मंत्री तक बन गए, विधायक तक बन गए, नेता बन गए, लेकिन उन्होंने समाज से मुंह मोड़ लिया है। जब तक वो गांव में जाकर लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा और किसी भी समाज की तरक्की वहाँ की महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती। आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि देखिए बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ा कष्ट सहन करके, विरोधियों से संघर्ष करके हमें ये सारे हक और अधिकार दिलाए हैं, उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए। आप अगर आपको आदर्श मानना है तो अपने महापुरुषों को आप आदर्श मानिए और अपने बच्चों को भी उन महापुरुषों के बारे में बताइए, क्योंकि आप आदर्श मानती हो
35 करोड़ देवी देवताओं को, जबकि उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, नहीं किया। अगर किया होता तो आज से हजारों साल पहले। आप 33 करोड़ देवताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जननी तो सरस्वती है और धन की जो जननी है वो लक्ष्मी है। आप इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे? जब शिक्षा की जननी सरस्वती है तो ये कहाँ बताया जाता है? अभी किताबों में भी लिखा है कि भाई आप शिक्षा लो। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। लोगों ने सिर्फ इसको एक तरह से बुकों में ही लिख रखा है, लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए, मैं यही महिलाओं से बोलना चाहूँगी कि आप अंधविश्वास से बाहर निकल जाइए, बाबा साहिब की 22 प्रतिज्ञाओं का आप पालन कीजिए, भगवान बुद्ध के मार्ग पर आप चलिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से वो रोक सके।